चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। डूंगरपुर जिले का सागवाड़ा थाना, जहां पर नए थाना अधिकारी अजय राज सिंह राव ने पहले ही दिन ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारते हुए यातायात कर्मियों को निर्देश दिए कि शहर में अस्त व्यस्त ट्रैफिक और नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों और वाहन धारकों को पाबंद किया जाए। इस विषय में ट्रैफिक अधिकारी जगह जगह मोर्चा संभाले नजर आए। इधर सागवाड़ा शहर, जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, उस समय पूर्ण रूप से लॉकडाउन था और आज समय ऐसा आ गया कि सागवाड़ा हॉट स्पॉट बन गया है। आए दिन सागवाड़ा शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में शहर की जनता कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए व लॉकडाउन के विषय में क्या कहती है, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सर नमस्कार, किस तरह का अभियान चलाया गया आज पुलिस प्रशासन की तरफ से? सीआई साहब द्वारा बाजार में भ्रमण किया गया पूरे बाजार का, फिर ये लारिया वगैरह जो व्यस्त व्यस्त खड़ी रही है वो लाइन से बाहर अंदर लाइन के अंदर खड़ी रहे और कोई भी व्यापारी बाहर सामान नहीं रखा। उसके लिए व्यापारियों को पाबंद किए गए, आइंदा ये खड़े करेंगे, इनको हिदायत दी गई है, इसके अलावा भी खड़े करेंगे कि कानूनी कार्रवाई की गई। जी आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना सागवाड़ा। धन्यवाद सर। यातायात व्यवस्था सागवाड़ा। धन्यवाद सर। सागवाड़ा में सर कोरोना बढ़ चुका है और हॉटस्पॉट बन चुका है सागवाड़ा पूरा, आपकी क्या राय है, लॉकडाउन होना चाहिए सागवाड़ा में एक बार फिर से या कोई आपके पास है इसका और उपाय? नहीं सर, बिल्कुल ये तो सही बात है, लॉकडाउन तो होना ही चाहिए। दिन ब दिन सागवाड़ा के अंदर बहुत ही पेशेंट आ रहे हैं, इसके हिसाब से यहाँ लॉकडाउन लगना चाहिए वापस। आप कहना चाहते हैं कि पूर्णतया लॉकडाउन होना चाहिए? बिल्कुल। आपका शुभ नाम? दिलीप सिंह चौहान। धन्यवाद। लॉकडाउन वापस होना चाहिए। लॉकडाउन होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। लॉकडाउन वापस होना चाहिए, उसकी वजह क्या है? वजह तो बहुत संक्रमित, बहुत केस ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह राठौर। आपकी क्या राय है सर, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया सागवाड़ा क्षेत्र में, तो लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय? सर बिल्कुल होना चाहिए लॉकडाउन वापस। सर लॉकडाउन होना चाहिए? होगा ही नहीं सर, ये तो बीमारी बढ़ती ही जाएगी। बढ़ती जाएगी हाँ। तो किस तरह से होना चाहिए, कितना समय के लिए होना चाहिए, क्या राय है आपकी? सर एक हफ्ते पर होना चाहिए, 15 दिन का होना चाहिए सर, सबसे हफ्ते भर का होना चाहिए सर। मतलब किस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए, पूरी दुकानें बंद रहे हैं, सब कुछ बंद रहे हैं, इस तरह कुछ बंद रहे हैं ऐसा होना चाहिए? मतलब पूर्णतया लॉकडाउन होना चाहिए, पूर्णतया लॉकडाउन, तभी ये कंट्रोल में आएगा, तभी ये कंट्रोल में आएगा। जी आपका शुभ नाम? केशवलाल बड़िया। धन्यवाद। हाँ सर क्या राय है आपकी, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? पूरी तरह से बंद होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धन किशोर सोनी। क्या नाम बताया आपने? नंद किशोर। धन्यवाद सर। हाँ सर क्या राय है आपकी, लॉकडाउन होना चाहिए, कोरोना का केसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या राय है आपकी इस बारे में? लॉकडाउन एक बार फिर से होना चाहिए, क्योंकि लोग इधर इधर बहुत घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और लॉकडाउन दोबारा वापस होना चाहिए, होना चाहिए। आपका शुभ नाम? गौतम पटेल। गौतम पटेल धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मैं आपसे राय जानना चाहता हूं कि सागवाड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है, कोरोना बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए या आपकी क्या राय है? सर हकीकत में देखा जाए अगर, और कोरोना से बिल्कुल अगर ब्रेक करना है तो एक बार कंप्लीट लॉकडाउन की 100% जरूरत है। इसका कारण ये है कि 10 से 5 जो मार्केट खुला है, ऐसा तो है नहीं लोग इस बीच में निकल ही नहीं रहे, लोग तो मार्केट में फिर भी रोज की तरह घूम ही रहे हैं। अगर इसको रोकना है पूरी तरह तो चेन को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के लिए 100% लॉकडाउन की नियमावली आवश्यकता है। इसलिए प्रशासन से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि एक बार चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए लेकिन सख्ती के साथ लॉकडाउन अप्लाई करवाया जाए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राजेश शर्मा सागवाड़। धन्यवाद। सर सागवाड़ा में जो केसेस हैं कोरोना के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है, लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा इसको? लॉकडाउन होना चाहिए, मतलब जो ये शनिवार वाला रखा है वो बहुत ही कठिन है, रविवार वाला रखना चाहिए, 6 से 9, 10 से 5 वाला समय ही बेहतर है, क्योंकि 9 से 6 बजे तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन लोग ज्यादा आ रहे हैं इस कारण से। नहीं जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिर्फ रविवार को ही रहना चाहिए, शनिवार को नहीं होना चाहिए, इसके अलावा आपकी क्या राय है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकेगा क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं?
इसके लिए अपन ज्यादा कोई अपने पास ऐसा नहीं है कि राय दे सके, इतनी स्थिति में नहीं है। नहीं, फिर भी आपकी क्या राय है, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकेगा? जैसा कि काम पड़े तब आए, इससे ये है कि घर पे ज्यादा रहें, इससे घर पे रहें, बिना अनावश्यक नहीं घूमें, सागवाड़ा में कोई आने की जरूरत नहीं है, ने दो गज की दूरी बना के रखें, मास्क का हमेशा उपयोग करें, साबुन या सैनिटाइज परमानेंट करते रहें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजीव कंसारा है। धन्यवाद सर। लेकिन लॉकडाउन होने से कई गरीब, जो गरीब लोग हैं, जो रोज कमाते रोज खाते हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसलिए लॉकडाउन नहीं भी होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन होना भी इसलिए जरूरी है, केस भी सामान आपसे बाहर बढ़ रहे हैं, और केस बढ़ने से फिर क्या होता है कि ज्यादा केस बढ़ेंगे तो ज्यादा बीमारी फैलेगी। इसलिए लॉकडाउन हर दिन के लिए भी लॉकडाउन करना चाहिए। हेलो, आप ये कहना चाहते हैं कि एक बार लॉकडाउन होना चाहिए? एक बार लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होगा तो केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सागवाड़ा में केस तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं, तो हर दिन के लिए भी लॉकडाउन होना चाहिए। और गरीब लोग इसमें बहुत परेशान भी हो रहे हैं, कई गरीब लोग रोज लाके खाते, रोज लाके रोज कमाते, रोज खाते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके लिए भी कोई सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम दीप्ति सेवक। धन्यवाद सर। सागवाड़ा में कोरोना बहुत बढ़ चुका है, हॉटस्पॉट बन चुका है सागवाड़ा सिटी, तो क्या यहाँ पर आपकी क्या राय है, क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर, सागवाड़ा में लॉकडाउन होने जैसी स्थिति है और लॉकडाउन करना चाहिए। लॉकडाउन होना चाहिए, होना चाहिए, तभी कंट्रोल में आएगा। हाँ, बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है जी। हाँ, आपका शुभ नाम? राजकुमार डामोर, सागवाड़ा नवागरा जी, सागवाड़ा। धन्यवाद सर। कोरोना के केसेस सागवाड़ा में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और हॉटस्पॉट बन चुका है सागवाड़ा, तो आपकी क्या राय है सर इस बारे में, क्या लॉकडाउन होना चाहिए दोबारा या नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा? वैसे लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप खाली दुकानें बंद कराने से इसका सोल्यूशन निकलता नहीं है, आप बसें चल रही है, रेलवे चल रही है, ट्रेन चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, उसमें सब लोग साथ में बैठ करके आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, जब आप उनको बाहर से लोगों को रोकोगे नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोकोगे नहीं, तब से कंट्रोल में कैसे आएगा? आप सिर्फ दुकान बंद करा इसका मतलब ही नहीं, कोई सेंस नहीं है। हाँ, आप यहाँ रह करके अगर सब बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अगर सबको बंद कर दो, तब जा करके आप लॉकडाउन कराओ, तैयार है हम लोग तैयार करने, लॉकडाउन का क्या कोई फर्क पड़ेगा उसका? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन अगर होता है तो पूर्णतया लॉकडाउन हो तभी ये सफल हो पाएगा, सिर्फ सागवाड़ा को बंद करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जी। आपका शुभ नाम सर? अनिल वाड़े। धन्यवाद। नाम की जो महामारी है वो आज सारे विश्व को जो है दवाई और परेशानी मिला, पूरा विश्व आज इस महामारी से परेशान है। ऐसी महामारी है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इस की खोज करने वाले दवाइयों की वे सभी असफल होते हैं। आज इतने लंबे समय से इस महामारी से पीड़ित हैं हम, लेकिन आज तक जो है कोई वैज्ञानिक इसकी कोई दवाई या उससे बचाव के कोई उपाय नहीं कर पाए। यह हिंदुस्तान निश्चित रूप से हमारा देश भारत और उसके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब यह इस महामारी के बचाव के लिए इन्होंने सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम लॉकडाउन करने वाले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब रहे, और यही कारण रहा कि इस महामारी का इतना बड़ा असर इस देश में होता, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, इटली और अन्य देशों में इसी प्रकार का प्रभाव जरूर निश्चित होता। लेकिन इनके सर्वबुद्धि से और हमेशा राष्ट्रीय भावना से रखने के कारण उन्होंने तुरंत ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन से निश्चित रूप से हमें आर्थिक तो परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन यह महामारी का जो बहुत बड़ा स्वरूप हमारे सामने लाशों के ढेर लग जाते हैं, ऐसी स्थिति क्योंकि चाइना के हम तो निकट है, और ये चाइना की जो अप्राकृतिक बनाई हुई यह महामारी है, इससे हम भारत के लोग ज्यादा पीड़ित होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ से हमको ब्रेकडाउन करके और देश को जो है आज इस महामारी के संकट को झेलना तो पड़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार का झेलने की हमारी स्थिति होती है, यहाँ लाशों के ढेर लगते हैं, वे न लग करके वे आज जो है हम सुरक्षित हैं। हमको चाहिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि आप जो है मुंह को जो है मास्क बांधिए। अभी सर अभी जो सागवाड़ा में स्थिति है, सागवाड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है, काफी संख्या में केसेस आए दिन आ रहे हैं, तो क्या इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या इस बार वापस दोबारा लॉकडाउन होना चाहिए या और कोई तरीका है इसका? देखिए, वास्तव में इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है,
पे लॉकडाउन होना चाहिए और जो उसके नियम है, हाथ धोना बार बार जी, मुंह पर मास्क बांधना जी, और दो गज की दूरी का जो डिस्टेंस है जी, वो आपको पालना करनी चाहिए। लेकिन आम जन जो है इस महामारी का से पीड़ित तो है, लेकिन यह जो जिस प्रकार के बचाव के प्रयोग हैं उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं जी। और यही कारण है कि सागवाड़ा बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा था कि डूंगरपुर, बांसा, उदयपुर और राजस्थान और भारत, इसमें सागवाड़ा जो बिल्कुल इस बीमारी से वंचित है, अछूत है और सुरक्षित है। लेकिन अभी अभी जो है वह लोगों ने जो ब्रेकडाउन भी था, पालना नहीं किया, लोगों ने पालना नहीं की, इसकी वजह से केसेस बढ़े, लॉकडाउन था वो समाप्त हुआ और उसकी पालना नहीं की, और यही कारण रहा है कि आज बीमारी बहुत बढ़ गई। मैं तो ये कहूंगा कि निश्चित रूप से सरकार द्वारा भी जो है जैसा ध्यान रखा जाना चाहिए, जो ब्रेकडाउन हम आए दिन सुन रहे हैं लोगों की बीमारी से, इनको क्वारंटाइन किए जा रहे हैं और उनको जो है दवाई से जो है प्रयास किया जा रहा है, वे जितना करना चाहिए, जिस प्रकार की जो करनी चाहिए, वहां से क्वारंटाइन जो हो गए, वो लोगों की आवाज़ सुनते हैं हम कि वहाँ इतना गंदा वातावरण है कि जो है ये कह रहे हैं कि बीमारी से भी ज्यादा परेशानियां हैं। तो सरकार को इसके ऊपर अधिक ध्यान देकर के उनको सुविधा देनी चाहिए, सोने उठने की व्यवस्था ठीक से करनी चाहिए और वहाँ पर उनको भोजन की व्यवस्था मिले। और इसको हमारा दायित्व है सरकार का कि सरकार जो है बीमारी के इलाज के लिए तत्पर रहे और लोगों को सारी सुविधा दे ताकि उसका ये फल जाए। दायित्व सरकार का निश्चित रूप से इस महामारी से हम जो है पुनः ब्रेक डाउन किया जाए। तो जिस प्रकार की अभी इस प्रकार एकदम से उभर करके सागवाड़ा में आई है बीमारी, उससे हम बच सकते हैं और सुरक्षित हो सकते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इसके लिए हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन बहुत जल्दी निकालने वाले हैं, वे भी जो निकले और ये बीमारी सारे विश्व से देश से विदा हो जाए और पूरा जो है सारा विश्व और भारत जो है अपनी अच्छी स्थिति में उठे, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सागवाड़ा लाइव चैनल से बात करने की। आपका महामारी तो बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं भाई? इस बारे में कहने का मतलब है, एक तो मास्क की जो है कहने का मतलब उसमें सख्ती की जाए, मास्क लगा के लोग घर में प्रवेश करें, प्रवेश करें, कहने का मतलब बराबर है जी। और जो डिस्टेंस वाली बात है वो डिस्टेंस बनाए रखें। कैसे स्तर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या लॉकडाउन होना चाहिए दोबारा? भाई लॉकडाउन तो क्या मतलब, लॉकडाउन कितना लंबा कर दिया, आगे में जितने दिन से चलाना पड़ेगा, मार्केट पर छोटी छोटी छोटे आम जो लोग हैं, छोटे गरीब लोग जो लॉकडाउन करेंगे तो फिर उनके लिए क्या 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 व्यवस्था, उनके बहुत सारे लोग बहुत बाहर घूमने चले गए, विशेष करके तो इस कारण पड़ा, यहाँ बाहर घूमने गए बाहर से लेके आ रहे, मतलब ये बहुत ज्यादा छूट दे दी इसकी वजह से पड़े, छूट दे दी, जैसे बाहर सिटी में जाने की, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है, बॉम्बे है, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं आपका शुभ नाम सर? धन्यवाद सर। सागवाड़ा क्षेत्र में सर कोरोना संक्रमण काफी बढ़ चुका है और हॉट स्पॉट बन चुका है सागवाड़ा, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या एक बार वापस सागवाड़ा लॉकडाउन होना चाहिए या कोई और उपाय है? जी जरूरी है, क्योंकि अभी बढ़ते कोरोना केस ज्यादा बढ़ रहे हैं सागवाड़ा में, नगर में, सब जगह पे, बोरवाड़ी देखो तो अभी, कॉलोनी में देखो तो अभी, तो उसको देखते हुए लॉकडाउन वापस लग जाए पूर्णतः रूप से तो काफी बीमारी को हम काबू में कर सकते हैं। बाकी यूँ देखे तो दिन में देखे तो केस काफी बढ़ते रूप में दिखाई दे रहे हैं। हाँ बढ़ तो रहे हैं, काफी बढ़ रहे हैं, रोज के 20 22 25 केसेस आ रहे हैं, तो फाइनली आप ये बताना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, तभी ये कंट्रोल में आएगा? हाँ तो ही कंट्रोल में होगा, बाकी तो यूँ देखे हुए तो ये टाइमिंग लगभग टाइमिंग को देख के मार्केट में सुबह में टाइम जैसे फिक्स कर रखा है 10 बजे से 5 बजे के बीच में, उसको देखते हुए तो लोग ये कोरोना महामारी को कोई काबू में नहीं कर पाएंगे ऐसा संभावना लगती है। ऐसा कोई मतलब ये जो अभी लॉकडाउन कर रखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपका शुभ नाम? हेमंत डामोर। धन्यवाद। सभी जनता से और आसपास की जनता से अनुरोध है कि जब भी बाजार में आए मास्क पहन के आए, सैनिटाइजर साथ में यूज करके आए और इतना जरूर काम हो कोई आए हॉस्पिटल और मार्केट के काम से ही आए, वरना जानबूझकर बाजार में गाड़ी लेके आने से कोरोना ज़्यादा फैल सकता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि जितने भी लोग जो मार्केट में आ रहे हैं वो बिना काम के बाजार में नहीं, और प्रशासन की अच्छा सहयोग हमको मिल रहा है, मीडिया का भी हमको अच्छा सहयोग मिल रहा है, धन्यवाद। आप ये बताएं सर कि लॉकडाउन इसका विकल्प है या और भी कोई विकल्प है, क्योंकि कोरोना जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, हॉट स्पॉट बन चुका है सागवाड़ा। हाँ सर, तो
कई लोगों की राय है कि एक बार पूरा पूर्ण तरह से लॉकडाउन होना चाहिए, तो आपकी क्या राय इस बारे में? क्या लॉकडाउन ही इसका आखिरी विकल्प है? लॉकडाउन मेरे हिसाब से लॉकडाउन है कि मार्केट के अंदर 10 बजे हम शॉप खोलते हैं और शाम को 6 बजे अभी गवर्नमेंट ने टाइम बताया है उसके हिसाब से चल रहा है, और शनिवार सैटरडे और संडे को भी मार्केट बंद रहता है। तो लॉकडाउन करने से तो कोई ऐसा फायदा नहीं होगा, खुद का जो हम खुद को ध्यान रखना होगा कि हम कम से कम बाहर निकले और सरकारी जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करें। आपका शुभ नाम सर? सर विशाल जैन। सॉरी विशाल जैन। विशाल जैन, धन्यवाद सर। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए नमस्कार, शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज़ यूट्यूब चैनल।